Hi guys, wish you very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 3rd June, Wednesday, and we are going to discuss today's the Hindu news analysis. The first news is China made significant deployment, said Rajnath Singh, defense minister. He said that China made significant deployment and India will not infringe on anyone's sovereignty. At the same time, India will not let anyone infringe on its sovereignty. ये कहना है राजनाथ सिंह जी का. According to minister, उनका ये कहना है कि China made significant deployment, अर्थात China ने बहुत ही significant जो है हम कह सकते हैं तैनाती शो की है, तैनाती लगाई गई है चाइना के द्वारा. एंड द मिनिस्टर ने ये भी कहा कि इंडिया किसी की भी सोवरेनिटी को ठेस नहीं पहुंचाएगा, और उसी समय ये भी श्योर है कि इंडिया किसी की भी छेड़खानी अपनी सोवरेनिटी के साथ में बर्दाश्त नहीं करेगा. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ट्यूसडे को ये बताया कि चाइना ने बहुत हाई लेवल ट्रूप्ड जो है लगा रखे हैं, ट्रूप्ड जो है तैनात किए हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स में उन्होंने एलएसी के ऊपर अपने पूरी सेना तैनात कर दी है. देयर वॉज एन इम्पॉर्टेंट डायलॉग बिटवीन द टू कंट्रीज शेड्यूल्ड ऑन June 6 टू रिजॉल्व द इशू. और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो इशू एलएसी से रिलेटेड चल रहा है उसे 6 जून को जो है संवाद के द्वारा बात करके और सुलझाने की कोशिश की जाएगी. और ये जो है डेट ऑलरेडी डिसाइड हो गई है कि इस दिन जो है पर्टिकुलरली 6 जून को इस बारे में इस मुद्दे पर बात होगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जाएगी. ओके, सेपरेटली सोर्सेज सेड डायलॉग वॉज हेल्ड ऑन ट्यूजडे एट द मेजर जनरल लेवल. और उन्होंने ये भी बताया कि इससे अलग अगर हम बात करें तो जो अलग से वर्क कर रहे हैं वो है जनरल, मेजर जनरल लेवल पर जो है इस बारे में बातचीत की जाएगी, जो कि ट्यूजडे को हुई है ना. द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट न्यूज इज निसारगा बैरल्स टुवर्ड्स मुंबई. मैक्सिमम सिटी को रेड अलर्ट में घोषित कर दिया गया है, साइक्लोन के चलते रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है. और ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीब अलीबाग के पास में जो है वो लैंडफॉल की संभावना बनती है. महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर ट्यूसडे को साइक्लोन निसर्ग जो है उसकी आने का अंदेशा लगाया जा रहा है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल, जो कि वेंसडे के करीब शाम तक अगर बात करें तो अलीबाग नामक स्थान जो है साउथ मुंबई में, वहाँ पे जो है लैंडफॉल का, लैंडस्लाइड का कारण बनेगा. ठीक है, तो ये सेकेंड साइक्लोन हिट है इस ईयर का. पहला हमने देखा वेस्ट बंगाल उड़ीसा क्षेत्र के अंदर जो साइक्लोन ने हिट किया था, अम्फान नामक साइक्लोन के बारे में पढ़ा था हमने. और अब ये निसर्गा विच इज़ द सेकेंड वन बिगेस्ट और आई कैन से मोस्ट इफेक्टेड साइक्लोन है जो कि मुंबई एरिया को हिट करेगा. तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारे करीब हम बात करें तो साउथ ईस्ट एरिया को ऑलरेडी अम्फान ने हिट किया, एंड नाउ इट इज़ द साउथ वेस्ट एरिया विच विल बी हिटेड बाय निसर्गा. ओके, हालांकि बहुत सारी रेस्क्यू टीम्स तैनात कर दी गई है, बहुत मैक्सिमम लेवल पे ये कोशिश की जा रही है बीचेस वगैरह से लोगों को दूर किया जाए, और जिन एरियाज़ में इस साइक्लोन के हिट करने की संभावना है उन सारे एरियाज़ को खाली करने की भी कोशिश की जा रही है. तो अपने आप में अगर हम बात करें तो सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के लिए रेडी है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन. इसके अलावा सीएम ने भी ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की है, अमित शाह जी से बात की है, और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उनके साथ में इंडियन नेवी आर्मी और जो ये कह सकते हैं एयरफोर्स है, इन सब से भी बात हुई है, सारे डिपार्टमेंट से अब आपस में कंसल्ट होने के बाद में सारी सेनाओं को तैनात किया गया है. ठीक है, और जो भी इम्पॉर्टेंट जो हो सकते हैं डिसीजंस हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट जो भी स्टेप्स होंगे वो सब बिल्कुल 100% अथॉरिटीज़ के साथ में उठाए जाएंगे.
ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ 21 किल्ड इन असम, असम में लैंडस्लिप होने से करीब 21 लोगों की डेथ हो गई है। इंसेसेंट रेन ट्रिगर्स डिज़ास्टर इन दी बराक वैली, बराक वैली की बात है, वहाँ पे जो है डिज़ास्टर रेन ट्रिगर की वजह से डिज़ास्टर हुआ जिसमें करीब 21 लैंडस्लिप हुआ और लैंडस्लिप की वजह से 21 लोगों की डेथ हो गई है। ओके, सो कंटिन्यूसली जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले भी देखा था, अम्फान से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ये सब हिट हुए, माइग्रेंट्स ऑलरेडी नेगेटिव उसके अंदर मोड में चल ही रहे हैं और उसी बीच में ये नया साइक्लोन का हिट करना, तो ओवरऑल और इसके साथ में कोविड-19, मतलब ओवरऑल हमने बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे हैं इस पेंडेमिक के दौर में और कहीं ना कहीं इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत सारी तैयारी और मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ट्रंप इन्वाइट्स मोदी फॉर G7 समिट। ट्रंप ने जो है मोदी को इन्वाइट किया है G7 समिट के लिए। US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्यूसडे को जो है इन्विटेशन भेजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि वो हमारे G7 नेक्स्ट जो समिट है जो US होस्ट कर रहा है उसमें आए और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए। ठीक है, दोनों ही लीडर्स ने अभी एट प्रेजेंट टेंशन्स को देखते हुए, LAC की टेंशन्स को देखते हुए, पेंडेमिक को देखते हुए और उसके बाद में ये जो रिसेंट जो साइक्लोन हिट कर रहा है निसर्गा, तो ये सारे कंडीशंस को देखते हुए इन पर भी दोनों के बीच में वार्तालाप हुई, चर्चा हुई और इससे जो संभलने के लिए, इससे होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए या इनसे होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट को कैसे कम किया जाए, इन सब चीज़ों पर दोनों देशों ने वार्तालाप भी किए। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलीज दोज हु हैव कंप्लीटेड क्वारंटाइन टाइम। ऐसा कहना है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ने UP गवर्नमेंट से कहा है कि उन सभी को छोड़ दिया जाए जिन्होंने अपना क्वारंटाइन टाइम कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ये इशू आ रहा था कि यूपी के अंदर आफ्टर क्वारंटाइन भी लोगों को रिलीज़ नहीं किया जा रहा था, तो उसके चलते और स्पेशली तबलीगी जमात जो है उसके बाद से लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, तो उस संदर्भ में हाईकोर्ट के ने ये ऑर्डर इशू किया है कि वो यूपी गवर्नमेंट जो है वो उन सभी लोगों को रिलीज़ कर दे जिन्होंने अपना क्वारंटाइन पीरियड कम्प्लीट कर लिया है। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट यूपी गवर्नमेंट। द नेक्स्ट न्यूज़ इज गवर्नमेंट लॉन्चेज ऐप फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वैकेंट बेड्स इन सिटी हॉस्पिटल। मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली कोरोना करके एक नई जो है ऐप लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, और ये जो ऐप है ये इसलिए है जिससे कि सिटी हॉस्पिटल्स में जितने भी वैकेंट बेड्स हैं उनकी आपको जो है उपलब्धता जो है उसकी जानकारी उपलब्ध हो सके या जानकारी मिल सके। बेसिकली किस हॉस्पिटल में कितने बेड्स खाली है, क्या हॉस्पिटल्स आपको रिसीव करेगा, क्या आपको एडमिट करेगा, तो उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें जो है दिल्ली कोरोना ऐप के तहत आप जान सकते हैं। और इस ऐप के थ्रू जो है जितने भी गवर्नमेंट के आप सिटी हॉस्पिटल्स अगर आप जा रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, या आपको जो है आपकी कंप्लेन जो है, या आप हम कह सकते हैं कि आपको प्रॉपर जो नीड है, रिक्वायरमेंट है आपके टेस्ट्स की या फिर आपके ट्रीटमेंट की, वो आपको नहीं प्रॉपरली अगर प्रोवाइड हो रहा है या आपको हॉस्पिटल एडमिशन से ही मना कर रहा है, तो इस कंडीशन में आप इस पोर्टल पर कंप्लेन कर सकते हैं। ये दिल्ली बेस्ड जो है एप्लीकेशन है, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। सो लेट्स सी कितना पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, कितना जो है पॉजिटिव साइंस मिलते हैं इसके। ठीक है, बिकॉज इस तरह के प्रॉब्लम्स इन दिनों काफ़ी लोगों को मिल रही है, काफ़ी लोग इनको जो है ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, है ना। देखिए इसके अलावा जो भी है वो ऐसी न्यूज़ है जो कहीं ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं बनती हैं, और डेफिनेटली लेट्स सी कि कौन कौन सी न्यूज़ आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, हम वो सारी न्यूज़ कवर करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा देखिए ये नेक्स्ट है लोकस्ट अटैक। हमें ऑलरेडी पता है लोकस्ट अटैक हुआ है पाकिस्तान के रास्ते होते हुए गुजरात, राजस्थान और उसके बाद में MP एंड काफ़ी दिल्ली एरियाज़ में, MP एरियाज़ में काफ़ी इफ़ेक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। और अब जो है उड़ीसा के 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनको
हाई अलर्ट की श्रेणी में रखा गया है और ये घोषणा कर दी गई है कि यहाँ पे लोकस्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये नवरंगपुर, नौपदा, कालाहांडी और मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, और वी कैन से रायगढ़, और जरसुगुड़ा अदर देन दिस सुंदरगढ़ एंड बारगढ़। तो ये जो क्षेत्र हैं ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोकस्ट अटैक की पूर्ण संभावना है। ठीक है, और यहाँ मैं आपको बता देती हूँ करीब 6.5 लाख फार्मर्स ऑलरेडी जो है इस तरीके से इफ़ेक्ट हो चुके हैं इन चीज़ों से। इसके अलावा भी 8 लाख लोगों को जो है फार्मर्स को इसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी गई है। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट लोकस्ट अटैक। अब हम बात करेंगे मॉन्यूमेंटल हरी। देखिए, यहाँ हम ऑलरेडी COVID-19 के इस सब दौर से गुजर रहे हैं और इसके अलावा साइक्लोन्स हिट कर रहे हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल इशूज़ जो है लाइक नेपाल इंडिया इशू, नेपाल चाइना इशू, इन सब को देखते हुए बहुत सारे इशूज़ ऑलरेडी इंडिया को जो है सफ़र करने को मिल रहे हैं। उसी बीच में इंडिया का मोन्यूमेंटल हरी जो है, अगर मोन्यूमेंट्स क्रिएट करने की बात की जाए या फिर इंस्टेंट डेवलपमेंट की बात की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन, और जल्दबाजी का एक आलम सा लगेगा, लेकिन हाँ ये श्योर है कि इट इज़ नीडेड टू डू ऑल दीज थिंग्स। अब देखते हैं क्या है इस एडिटोरियल में और क्या लिखा गया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में अबाउट मोन्यूमेंटल हरी के बारे में। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज़ सो पजस्ड बाय इट्स प्लान टू रीडेवलप द सेंट्रल विस्टा। द 3 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच from Rashtrapati Bhavan to India Gate that even a devastating pandemic is no distraction from it। आप देख सकते हैं, आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपति भवन से लगा करके और इंडिया गेट तक जो 3 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच डेवलप रीडेवलप करने की मांग जो है प्लानिंग की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और अपने आप में पेंडेमिक के दौर में इस तरीके से ये इस तरफ जो है अब रुझान बढ़ाना, झुकाव बढ़ाना, पेंडेमिक के जो इश्यूज है, पेंडेमिक से हो रहे इश्यूज को कहीं कम नहीं करता है। सेंटर हैज़ बीन रशिंग अहेड, सेंटर अब आगे बढ़ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है और वो ये सारे एट प्रेजेंट जितने भी फर्दर जो चीज़ें चल रही है उन सबको इग्नोर करते हुए और जो ये स्टेप्स सरकार ले रही है मॉन्यूमेंट्स या डेवलपमेंट की तरफ उसके अगेंस्ट प्लीज को भी इग्नोर करते हुए सरकार आगे बढ़ रही है और प्लानिंग्स कर रही है। द प्लान इज ऑल्सो टू कंस्ट्रक्ट, ये भी प्लान बनाया गया है कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाएगी मार्च 2020 तक। ठीक है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट भी जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो मार्च 2024 के करीब किया जाएगा, अलोंग विद न्यू रेजिडेंसेस फॉर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके लिए नए रेजिडेंट्स के साथ ही नियर साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक्स विच विल बी रीपर्पज्ड एज म्यूजियम्स। नाउ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स को जो रीपर्पज जिसका है म्यूजियम्स क्रिएट करने का है, तो उसको देखते हुए ये जो साउथ वेस्ट सॉरी वाइस प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए न्यू रेजिडेंस की भी जो है प्लानिंग की गई है। देयर विल बी ए न्यू बिल्डिंग, पीएमओ की भी न्यू बिल्डिंग होगी अर्थात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भी न्यू बिल्डिंग होगी। एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान जो है ऑलरेडी प्राइवेट फर्म से कंफर्म कर दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। एक ट्रायंगुलर शेप पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जाएगी, ये एक अगला जो है हेरिटेज स्ट्रक्चर होगा जो कि एट प्रेजेंट हेरिटेज स्ट्रक्चर जो चल रहा है उसी को कंसिस्ट करते हुए ट्रायंगुलर शेप में जो है नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनेगी। एंड ऑफिस बिल्डिंग्स ऑल अलोंग राजपथ, और ऑफिस बिल्डिंग्स भी बनेगी और ये सब चीज़ें राजपथ के वहाँ पे एरिया में बनेगी। ठीक है, आफ्टर डिमोलिशिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, अभी जो एट प्रेजेंट जो बिल्डिंग्स हैं उनको डिमोलिश करके नई बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाएगा। टिल डेट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट पब्लिकली स्टेटेड द प्रोजेक्ट्स एस्टिमेटेड कॉस्ट। आज तक की डेट में अभी तक सरकार द्वारा इस पूरे प्रयोग ये हम कह सकते हैं इस पूरे जो ये जो प्लानिंग है योजना है इस पूरे प्रायोजन के तहत कितना पैसा खर्च होने वाला है ऐसा कोई एस्टिमेट सरकार द्वारा नहीं दिया गया है।
द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू CPWD एप्लीकेशन फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस. CPWD की एप्लीकेशन जो दी गई है एनवायरमेंटल क्लियरेंस की, उसके बेसिस पर जो न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग होगी वो करीब 12 मार्च से जो है उसको क्लियरेंस मिल जाएगा. उसके साथ ही करीब 922 करोड़ रुपीज़ का जो एक्सपेंडिचर जो है नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में देखने को मिलेगा. द सेंटर हैज़ गिवन अ रेंज ऑफ रीजंस बिहाइंड द रीडेवलपमेंट प्लान. सेंटर ने अपने सारे रीजंस जो है वो भी बताए हैं कि क्यों जो है रीडेवलपमेंट को प्लान किया जा रहा है. फ्रॉम द स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स विच केम अप बिटवीन 1911 एंड 1930. नाउ नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स को इसलिए किया जा रहा है रीडेवलप क्योंकि ये करीब 1911 और 1931 के बीच में बनाए गए थे. उसके अलावा पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो अपने आप में जो है सेफ स्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए एक सेफ जो है स्ट्रक्चर के निर्माण की मांग की गई है. ठीक है, ये रीज़न जो है सरकार द्वारा दिए गए हैं. टू द नीड फॉर मोर स्पेस ऑफ सीट्स MPs एंड ऑफिस स्पेस फॉर ऑल ऑफ देम. और मैं आपको बता दूं कि करीब पार्लियामेंट के अंदर जो है या साउथ और नॉर्थ ब्लॉक के जो ऑफिसेज हैं उनकी बात करें तो MPs के बैठने के लिए ऑफिस में पर्टिकुलर जो है जो रिक्वायर्ड स्पेस है वो अवेलेबल ना हो पाने के कारण ये सारे डेवलपमेंट के बारे में सोचा जा रहा है. ठीक है, फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्डिंग्स, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस बिल्डिंग्स है जैसे कि राष्ट्रपति भवन, कृषि भवन, इट हैज़ साइटेड द नीड फॉर मॉडर्न वर्क स्पेस. इनको जो है इनके लिए जो है मॉडर्न वर्क स्पेस की जो है हम कह सकते हैं मॉडर्न वर्क स्पेस डेवलप करने पर कार्य किया जाएगा और इसी तरह के क्षेत्र में इनको स्थापित किया जाएगा. द डिसीजन ऑन रीडेवलपमेंट वॉज टेकन इन द हरी एंड विदाउट एडिक्वेट कंसल्टेशन. जितनी कंसल्टेशन की नीड है, जितना पर्याप्त आपको जो है कंसल्टेशन की नीड है और वो उसको फॉलो ना करते हुए बहुत ही जल्दबाजी में सरकार द्वारा रीडेवलपमेंट के डिसीजंस लिए गए हैं. द यूटिलिटी ऑफ सच अ मैसिव रीडेवलपमेंट इज नॉट ईजीली डिफेंडेबल बट द मोदी गवर्नमेंट इज एविडेंटली एगर टू रिकंडीशन द कैपिटल्स लैंडस्केप एज इट्स मोन्यूमेंटल लीगेसी. मैं आपको बता दूं कि ये जो रीडेवलपमेंट करने का जो इरादा है, देखिए बेसिकली सरकार का भी ये कहना गलत नहीं है कि डेवलपमेंट की नीड है, डेफिनेटली है. और मोदी गवर्नमेंट जो है ये कह रही है, देखिए इतना इजी नहीं है इस लेवल पे डेवलपमेंट करना, प्लानिंग्स करना और उसके अकॉर्डिंग चलना और उसी के साथ अपोजिशंस को भी हैंडल करना और पेंडेमिक को भी हैंडल करते हुए आगे चलना. बट स्टिल गवर्नमेंट का ये कहना है कि सरकार उस पर पूर्ण रूप से प्रयास करेगी और जल्द से जल्द इस बारे में इसका समाधान करेगी और हमारा जो कैपिटल है दिल्ली उसका एक नया स्वरूप हमें देखने को मिलेगा. जबकि अपोजिशन एनवायरमेंटल्स आर्किटेक्ट्स सिटीजन्स हैव रेज्ड अ रेंज ऑफ कंसर्न्स इवन बिफोर द पेंडेमिक ब्रॉट इन एडिशनल इशू. और आर्किटेक्ट्स एनवायरमेंटल सिटीजन से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं, इनके रेंज से रिलेटेड जो इशूज़ हैं, वो सारे कंसर्न इशू ऑलरेडी जो है एडिशनल इशू के तौर पर देखे जा सकते हैं. बट फार फ्रॉम पॉजिंग सेवरल की अप्रूवल्स फॉर द पर्पस पार्लियामेंट बिल्डिंग हैव बीन पुश्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन. इस लॉकडाउन के दौर में काफ़ी देखिए ट्रांसपेरेंसी की कमी हो जाने के कारण काफ़ी एलिगेशंस भी लीड करते हुए देखे गए, काफ़ी एलिगेशंस भी देखे गए हैं. बट स्टिल वी कैन से कि सरकार इस जो पूरी प्लानिंग है, ये जो अप्रूवल है, इसे पॉज नहीं करेगी बल्कि कुछ नए अप्रूवल जो है उनके साथ में इस बिल्डिंग की निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाएगी. इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल विस्टा कमिटी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग वेयर इट वॉज पास्ड विदाउट मच डिस्कशन. ओके, एज पर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, अगर मिनट्स ऑफ मीटिंग की बात करें तो कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस करने के बाद में बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करने
के बाद में भी ये देखा गया कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर्स जो हैं सेंट्रल विस्टा कमेटी के, उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की. द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लैंड यूज बाय द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉज कम्प्लीटेड जस्ट बिफोर द लॉकडाउन बिगेन ऑन मार्च 24. जो अथॉरिटी डेवलपमेंट दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसका लैंड यूज़ करते हुए जो प्रोसेस है चेंजेस लाने का लैंड यूज़ करते हुए वो कंप्लीट नहीं हो पाया. जस्ट कंप्लीट हुआ ही था लॉकडाउन से पहले 25 मार्च से जस्ट पहले. ओके, एक्टिविस्ट और आर्किटेक्ट्स की अगर बात करें तो उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन है दैट द क्वेश्चन ऑफ लैक ऑफ स्टडीज और टू असरटेन द नीड फॉर द प्रोजेक्ट. उनका ये कहना है कि इस तरह के इतने बड़े प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए हमें काफ़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में इसके बारे में पढ़ना होगा. देयर वर इनफ रीजन्स टू बी सर्कमस्पेक्ट अबाउट दिस ग्रांड आइडिया फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. ये ज़रूरी है कि हम शुरुआती से ही बहुत, जहाँ पे अब शुरुआत हुई है अभी सरफेस आइडिया की, इस ग्रैंड आइडिया की, तो हम इसको लेते हुए इसके लिए पर्याप्त रीजंस जो हैं उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ें. ओके, इन द सिचुएशन क्रिएटेड बाय द पेंडेमिक, पेंडेमिक के दौर में, पेंडेमिक द्वारा ये जो सिचुएशंस क्रिएट की गई है, इट मस्ट बी डिफर्ड एंड आइडिया रिविजिटेड लेटर. इनके अंदर जो है बदलाव लाने की ज़रूरत है और फिर आइडियाज़ को अगेन रिविजिट करने की ज़रूरत है. ठीक है, द नेक्स्ट इज़ मॉनसून बाउंटी. मैं आपको बता देती हूँ ये जो पूरा आर्टिकल है ये बेस्ड है कि IMD ने क्या डेट्स दी थी मॉनसून की, उससे क्या इफ़ेक्ट देखने को मिला, और आने वाले टाइम में क्योंकि साइक्लोन हिट कर रहा है मॉनसून के साथ में केरला, एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू बी हिटेड इन महाराष्ट्र. ओके, काफ़ी रीजन्स है जहाँ महाराष्ट्र में और इन जगहों पर भी हिट कर रहा है. तो देखिए, साइक्लोन अपने आप में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता है और उस डिज़ास्टर को हैंडल करने के लिए सरकार अपने स्तर पे सभी प्रयास करती हैं. तो करीब हम कह सकते हैं कि IMD द्वारा जो फॉरकास्टिंग किया गया है, इस फॉरकास्टिंग के थ्रू जो है 4 जून को मॉनसून आने वाला था, लेकिन वो मॉनसून 4 जून को नहीं आया है और वो 1 जून को ही आ गया है. फॉर अगेन वी कैन से कि फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपन्ड कि सरकार का ये जो प्रयास है, IMD का सॉरी, ये जो प्रयास है कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अपने डेटास के बेसिस पर ही जो है मौसम का अनुमान लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वो भी इस बार जो है फिर से गलत गया है. मैं आपको बता दूं कि IMD के काफ़ी सारे ऐसे डेटास होते हैं जो कभी भी सच नहीं होते हैं और काफ़ी जो है इश्यूज देखने को मिलते हैं. अब देखिए, काफ़ी इसके रीजंस हो सकते हैं. हो सकता है उनके पास में पॉसिबल इक्विपमेंट्स ना हो, मॉडर्न इक्विपमेंट्स ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, और होते हुए भी हो सकता है वो उसका सही इस्तेमाल ना हो पा रहा हो. तो देखिए, हर जगह में कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत होती है, क्योंकि IMD से हमें पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स है, पॉजिटिविटी जो है, वो पिछले कई सालों से कभी देखने को नहीं मिली है. तो ये हमारी ज़रूरत है कि वो हम आज के दौर में ऐसा कुछ करें जिससे हमें एग्जैक्ट जो है टाइमिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके. इसके अलावा और मैं आपको बता देती हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट एजेंसी जो थी उसने ये जो डेट है ये अनाउंस की थी 28 मई. इट मीन्स कि जो मॉनसून आने की जो डेट है 1 जून, उससे 2-3 दिन पहले. तो अल्टीमेटली बोथ द एजेंसीज एंड IMD आर नॉट गोइंग गुड एंड देयर आई कैन से आइडियाज़ आर नॉट गोइंग गुड. और बेसिकली उनके जो आइडियाज़ लगाए जाते हैं वो नेचुरल और जो उस समय का जो क्लाइमेट है उसके बेसिस पर लगाए जाते हैं. तो पॉसिबली उन्होंने साइक्लोन को देखते हुए या वाटर की कंडीशंस और एयर्स की कंडीशंस को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया था कि 4 जून को होगा लैंडफॉल, लेकिन ये जो वेदर है, वेदर जो आएगा, मॉनसून जो आएगा, वो 4 जून को आएगा. बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज अगेन अ रॉन्ग प्रेडिक्शन एट ऑल. और ये जो फेवरेबल कंडीशंस जो हैं उसको फोरकास्ट किया गया था और मॉनसून ही 1 जून को एंटर कर गया. बट अनफॉर्चुनेटली एक मॉनसून के साथ में एक नया जो है हिट लेकर आया वो अपने साथ में, दैट इज़ साइक्लोन हिट, जो कि अभी रिसेंटली हमने ऊपर पढ़ा आज ही, निसर्ग करके जो
है साइक्लोन का पार्ट, वो हिट करेगा मुंबई और जो कोस्टल एरियाज हैं उनको, है ना। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन। और द आईएमडी हैज़ क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया, आईएमडी ने ये क्राइटेरिया डिफाइन किया कि कैसे उन्होंने जो है कैसे डेट्स को अनाउंस किया है, क्या अंदाज़ा होता है डेट्स को अनाउंस करने का। 8 of the 14 डेजिग्नेटेड मेट्रोलॉजिकल स्टेशन, 14 जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन लगाए हुए हैं केरला और कर्नाटका में, और उनमें से 8 जो है उनके अंदर करीब 2.5 mm तक अगर रेनफॉल होती है कंटिन्यूस 2 consecutive डेज तक, तो ये संभावना है कि देयर मस्ट बी 30 to 40 km/h वेस्टर्लाइज, ओके, एट अ सर्टेन हाइट एंड अ सर्टेन वैल्यू ऑफ रेडिएशंस। हैवी रेन्स ओवर केरला अलोन डू नॉट डिटरमाइन ऑनसेट, द आईएमडी हैज़ बीन इन पेंस टू एम्फेसाइज, हाउएवर इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट यूजुअली इट वॉज ओनली एजेंसी विद द इक्विपमेंट ऑफ मेजर्स वाइन स्पीड एंड रेडिएशंस एट हायर एलिवेशन अलोंग विथ मल्टीपल वेदर स्टेशंस इफ इट देयरफॉर हैज़ अ मोनोपोली ऑफ डिक्लेयरिंग ऑनसेट। सो हेयर देखिए, अल्टीमेटली अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो ये बताता है कि आईएमडी के जो डेटाज है वो कैसे इशू किए जाते हैं, आईएमडी कैसे अंदाज़ा लगाता है किसी बात के, किसी इंफॉर्मेशन के बारे में कि कैसे मानसून कब आएगा या फिर मानसून कब जाएगा या अन्य जो भी सीजनल या क्लाइमेटिकल चेंजेस हैं उनके बारे में जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपने अंदाजे लगाता है या अपना जो डेटा के बेसिस पर जो डिसाइड करता है उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम हाँ कुछ चीज़ें काफ़ी जो है पॉजिटिव देखने को मिली है जैसे साइक्लोन्स के बारे में अंदाज़ा, तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए यूज़फुल होती है। लेकिन अब मॉनसून को लेकर या दूसरी जो क्लाइमेटिकल चेंजेस हैं उनको देखते हुए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ये ज़रूरत है कि वो अपने क्षेत्र में कार्य करें और इस तरह के डेटास प्रोवाइड करवाने की कोशिश करें जो आने वाले टाइम में हेल्पफुल हो गवर्नमेंट के लिए भी और आम लोगों के लिए भी, ठीक है। मल्टीलेटरलिज्म इन द न्यू कोल्ड वॉर, न्यू कोल्ड वॉर की बात की गई है, इंडिया कैन सेट द वर्ल्ड रिस्पॉन्स ऑल्सो यूजिंग द अपॉर्चुनिटी टू रिकवर इट्स ग्लोबल थॉट लीडरशिप, ग्लोबल थॉट लीडरशिप को रिकवर करने के बेसिस पे इंडिया जो है वर्ल्ड रिस्पॉन्स जो है वो फॉर्म कर सकता है, सेट कर सकता है, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ये मल्टीलेटरलिज्म पर बेस्ड है, न्यू कोल्ड वॉर के मतलब इंडिया और चाइना के बीच जो क्लैशेस हैं उनको देखते हुए या इंटरनेशनल लेवल पे जो क्लैशेस हैं उन सब के बेसिस पर ये कोल्ड वॉर, जैसे देखिए पेंडेमिक है, पेंडेमिक का आना और फिर चाइना के अगेंस्ट जो है इंडिया या अन्य जितनी भी ग्लोबली मैक्सिमम लेवल ऑफ कंट्रीज़ के मन में चाइना को लेकर कहीं ना कहीं एक डाउटफुल इमेज क्रिएट हो गई है, तो ये सो जो सारी चीज़ें हैं ये अपने आप में एक वॉर क्रिएट करती है। अब ये है एक तरह का कोल्ड वॉर है ना, ये कोई जो है बहुत बड़ा वॉर घोषित नहीं हो रहा है, युद्ध के मैदान में जाके नहीं लड़ रहे हैं, बट स्टिल ये जो मल्टीलेटरलिज्म है इन न्यू कोल्ड वॉर का उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। आप इस आर्टिकल को खुद से पढ़ेंगे एंड यू आर गोइंग टू डिस्कस इट विथ मी, ओके। द चैलेंज ऑफ लॉ एनफोर्समेंट पोस्ट COVID-19, यहाँ पे लॉज की बात की गई है, नए चैलेंजेस जो है लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए जो डील करना है पुलिस को उसके बारे में जो थिंकिंग वेज है उनकी बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। क्या चैलेंजेस उनके सामने आने वाले आ सकते हैं, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, उन सब की यहाँ पे उन सबको यहाँ डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसके अलावा एज स्टेट बिगिन्स टू अनलॉक 5 डाई ऑफ वायरस, ठीक है, ये देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी ऐसी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है वो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, है ना। तो लेट्स सी, ठीक है, ऐसी अब कोई न्यूज़ नहीं है जो कि आपको लेने की ज़रूरत है या हमें पढ़ने की ज़रूरत है। साइंटिस्ट आइडेंटिफाई सेकंड मोस्ट कॉमन कोरोना वायरस टाइप इन इंडिया, इंडिया में सेकंड मोस्ट कॉमन जो है कोरोना वायरस का टाइप जो है साइंटिस्ट ने अप्रूव किया है, ठीक है, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे और या इसके बारे में आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है ये आर्टिकल, कौन सा है वो वायरस जिसको देखा गया है जिसके बारे में बात की गई है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। निसर्ग के बारे में बताया कि कैसे निसर्ग अटैक करेगा, क्या कारण है उससे, कैसे प्रिकॉशंस को कैसे फॉलो कर सकते हैं, क्या मेजर्स होने चाहिए, क्या कैसे हिट करेगा और क्या वो मैक्सिमम लेवल पे हिट करेगा या मैक्सिमम लेवल पे इफेक्ट करेगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, या तो इम्पॉर्टेंटली हमने सारी कवर्स न्यूज़ ऑलरेडी कवर कर ली है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया है। कोई भी इशू अगर बीच में कहीं थोड़ा सा अगर आपको आया है तो वो देखिए, बिकॉज़ कुछ पर्सनल इश्यूज हैं उसके चलते मुझे जो है थोड़ा सा इश्यूज हो जाते हैं, कभी कभार नहीं बना पाता, तो बीच में ऐसे 2 डेज़ हुए थे, स्किप हो गया था, उसके लिए भी सॉरी। इसके अलावा जो है आपको अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो में, या आपको लग रहा है कि देखिए आपकी एक एक डिमांड आ रही थी स्टूडेंट्स की कि भाई मैम वन लाइन टू लाइन जो है आर्टिकल एक्सप्लेन कीजिए, तो देखिए इतने सारे आर्टिकल्स लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करना इट्स नॉट दैट मच ईजी। ओके, मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस ले रही हूँ, अगर मैं चाहूँ अगर लाइन टू लाइन डिस्कशन आप चाहते हैं तो मैं ओनली एडिटोरियल का एनालिसिस ले सकती हूँ, जिससे कि आपको ओनली एडिटोरियल मिलेगा लेकिन लाइन टू लाइन मिलेगा। और अभी जो हम ले रहे हैं उसके अंदर मैं सारी न्यूज़ को कवर कर रही हूँ, है ना, जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनती है, चाहे वो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है, योजना जो लॉन्च हो रही है, या उसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनती है गवर्नमेंट से रिलेटेड या डिपार्टमेंट्स से रिलेटेड, या जैसे IMD से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ी हमने, या इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स LAC और जो इंडिया और नेपाल का जो इशू है, इन सबको देखते हुए ऐसे इश्यूज एक साथ में मैं पूरे न्यूज़पेपर में कवर करने की कोशिश करती हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। उसके साथ में एडिटोरियल भी ले रही हूँ, तो ऐसे सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस नहीं करते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आपके एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है। देखिए देश में हो रही हर घटना, हर न्यूज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उन न्यूज़ का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, हाँ आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना ज़रूरी होता है, जो कि हम ऑलरेडी इंटरनेट के थ्रू या अदर न्यूज़पेपर्स रीजनल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर्स आते हैं उनके थ्रू हम पढ़ लेते हैं उन चीज़ों को, बट स्टिल लेट मी नो यू कि आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़िए जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, एटलीस्ट वो जो न्यूज़ डेटाज़ हैं, वो सारे जो डेटाज़ हैं, जो आर्टिकल्स मैं डिस्कस कर रही हूँ, वो आर्टिकल्स जो है वो आप प्लीज़ जो है ढंग से पढ़िए, रीड कीजिए, उनके बारे में समझिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे डिस्कस करने के बाद अगर आप उसे पढ़ेंगे तो इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू ओनली, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पर डे अगर इस तरीके से न्यूज़ एनालिसिस लेते हैं तो हमें एटलीस्ट एग्ज़ाम के टाइम पे न्यूज़ को कवर करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। न्यूज़ डेली बेसिस पे मॉर्निंग में मेरा काम है, वो मैं आपको कवर करवा रही हूँ। इसके अलावा हमारे अचीव IAS की जो टेलीग्राम चैनल जो है उसके ऊपर आपको इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं सभी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो न्यूज़ आर्टिकल हैं या इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कि आपको आंसर करने चाहिए, तो उन सारे डिपार्टमेंट्स और उन सारी चीज़ों के बारे में आपको क्वेश्चंस जो है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कीजिए, जो कि रिसेंटली हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं अचीव IAS के प्लेटफॉर्म पे। हमारी वेबसाइट भी विजिट कीजिए आप, जिस पे आपको बहुत सारा स्टफ़ अवेलेबल होगा और काफ़ी इंफॉर्मेटिव है सारी चीज़ें। हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, आपको भी अगर जो है आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पे ऑलरेडी मैं आपको न्यूज़पेपर दे रही हूँ तो इससे जुड़े रहिए, इसके अलावा हमारी वेबसाइट से भी जुड़िए, और उसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू है तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और क्वेरीज भी आई थी मेरे पास, जैसे दूसरी क्वेरी थी कि मैम इंग्लिश में जो है डिस्कस कीजिए, तो देखिए न्यूज़पेपर एनालिसिस लेने का मेरा जो रीज़न है वो यही है कि इंग्लिश में तो ऑलरेडी न्यूज़पेपर अवेलेबल होता ही है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो हिंदी में, जो हिंदी मीडियम से हैं या जिनको हिंदी मीडियम के ना होते हुए भी, इंग्लिश मीडियम के होते हुए भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको न्यूज़पेपर रीडिंग में बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं, उनको 4 to 5 hours देने होते हैं, उसके बाद भी उनको वो सारी चीज़ समझ में नहीं आती जो आनी चाहिए, है ना। तो फॉर दैट मैंने ये जो है इनिशिएटिव लिया, हमने ये जो न्यूज़ एनालिसिस है वो इसी लिए हमने स्टार्ट किया है जिससे कि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल पे
मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी में डिकोड करते हुए इंग्लिश को भी यूज़ लेते हुए इस तरीके से जो है एक मिक्सचर आपको प्रोवाइड करवाऊँ, जिससे कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। हाँ, एक और क्वेरी आई थी कि मैम आप जो है टू द पॉइंट या हाईलाइट्स करके पढ़ाइए। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आर्टिकल ऐसा होता है जिसमें आप हाइलाइट्स को वीडियो में बैठ के पढ़ेंगे, है ना। मैं जो आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, मैं जो आपको चीज़ें बोल रही हूँ, बस आप जो उसे सुन लेंगे या उसे नोट कर लेंगे तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी है। डोंट वरी, मैंने आपने ये देखा होगा मैं कभी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को लाइन टू लाइन पढ़ के और फिर नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस वही डिस्कस करती हूँ, क्योंकि उसके अलावा जो स्टफ़ है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। और न्यूज़पेपर में एक ही स्टफ़ को जो है बार बार लैंग्वेज चेंज करके उसी स्टफ़ को रिवाइज करते हुए एक डेटा क्रिएट किया जाता है ना, तो उसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवा रही हूँ, मैं जो भी चीज़ें बोल रही हूँ, उन सबको आप नोट कीजिए, नोट्स बनाइए और हेडिंग्स के साथ में जो भी मैं बोल रही हूँ उन सबको शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लीजिए, तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, अदर देन दिस कोई भी इशू है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, और अपना सपोर्ट शो करने के लिए, अपने जो है अपना प्रेजेंस शो करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और बने रहिए हमारे साथ में डेली बेसिस पे, इसी तरीके से डेली न्यूज़ एनालिसिस भी लेकर आऊँगी और कई सारे जो इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं स्कीम्स है और लॉन्चेस है या और भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनती है उसके लिए भी मैं अलग से आर्टिकल्स के बेसिस पर डिफरेंट ओनली वन टॉपिक पे के बेसिस पर वन वीडियो क्रिएट करती हूँ। जैसे कल हमने पीएम जो है स्वनिधि योजना उसके बारे में डिस्कस किया था, और तो इस तरीके से इस तरीके के जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। ऐसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी, और इस न्यूज़ एनालिसिस को भी रेगुलरली आप देखिए। आप बिल्कुल डैम श्योर रहिए कि आपका करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे हैं डे बाय डे, वो आप तक पहुंच जाएंगे मेरे द्वारा। तो आपको क्या है, स्टैटिक पोर्शन ही कवर करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, और बिल्कुल जोश के साथ पढ़ाई कीजिए। बहुत कुछ है जो हम लोग पढ़ेंगे, शेयर करेंगे, और वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।